बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। दिल्ली की वसंत कुंज पुलिस ने एक ऐसे लुटेरे को गिरफ्तार किया है जो नेवी का रिटायर्ड कर्मचारी है। उस पर लग्जरी कार चलाने का ऐसा जुनून सवार हुआ जिसने उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आरोपी ने पहले पुलिस की वर्दी सिलवाई, उस पर स्टार लगवाए और बीएमडब्ल्यू कार में लिफ्ट मांगी। इसके बाद चालक को चाकू पर जहर लगा होने का डर दिखाकर कार लूटकर फरार हो गया। नेवी के रिटायर्ड अधिकारी ने लूटी थी 80 लाख की बीएमडब्ल्यू कार। पुलिस की वर्दी पहनकर बीएमडब्ल्यू कार को रुकवाया, चाकू की नोक पर जहर का डर दिखाकर कार लूट कर हुआ था फरार। हरियाणा में रेड करके दिल्ली पुलिस ने बरामद की कार। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स का नाम है भरत सिंह। 49 वर्षीय भरत सिंह नेवी का रिटायर्ड कर्मचारी है जो 15 साल पहले सेवानिवृत्त हो चुका है, लेकिन इस पर लग्जरी कार चलाने का ऐसा भूत सवार हुआ जिसने इसे बना दिया शातिर लुटेरा और पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। आरोपी ने लग्जरी कार लूटने की दो बार नाकाम कोशिश की क्योंकि उसे किसी ने कार में लिफ्ट नहीं दी। ऐसे में उसने पुलिस की वर्दी सिलवाई, टोपी खरीदी और दो स्टार भी वर्दी पर लगाए जिससे उसे आसानी से कार में लिफ्ट मिल जाए। योजना के मुताबिक वो दक्षिण दिल्ली के महिलापुरा में होटल रेडिसन के पास पहुंचा, जहां उसने बीएमडब्ल्यू कार लेकर जा रहे खेमचंद को लिफ्ट मांगने के बहाने रोका। खेमचंद गुप्ता एचसी ओवरसीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक चेतन गुप्ता को एयरपोर्ट छोड़कर वापस आ रहा था। आरोपी भरत सिंह ने कार में बैठने के बाद बातचीत के दौरान ड्राइवर खेमचंद का मोबाइल ले लिया। इसके बाद उसने एक चाकू निकाला और ड्राइवर को चाकू पर जहर लगा होने का डर दिखाया। आरोपी के पास एक बैग भी था। उसने ड्राइवर से कहा कि बैग में बम है, अगर विरोध किया तो जान से मार दूंगा। ऐसे में ड्राइवर कार से उतर गया और आरोपी एक्स नेवी मैन भरत सिंह कार लेकर फरार हो गया। इसके बाद पीड़ित ड्राइवर खेमचंद ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। हरियाणा में रेड करके दिल्ली पुलिस ने बरामद की कार। कीलेस सिस्टम से बंद हुई कार ट्रेन से लेकर जा रहा था आरोपी। आरोपी ने सिलवाई पुलिस की वर्दी, वर्दी पर लगाया स्टार। लग्जरी कार चलाने के शौक ने बनाया नेवी मैन को लुटेरा। उधर कार सोफिस्टिकेटेड सिस्टम के कारण कुछ देर चलने के बाद अपने आप बंद हो गई, क्योंकि बीएमडब्ल्यू X5 SUV कार एक फीचर के साथ आती है जिसे शुरू करने के लिए चाबी को अंदर लगाने की जरूरत नहीं होती है, उसे बस कार के अंदर होना चाहिए। आरोपी ने जब ड्राइवर खेमचंद को कार से उतरने के लिए मजबूर किया तो ड्राइवर अपने साथ कार की चाबी लेकर उतर गया और जब कार करीब 20 किलोमीटर दूर मानेसर के पास पहुंचकर अपने आप बंद हो गई। इसके अलावा ड्राइवर खेमचंद का मोबाइल भी आरोपी अपने साथ ले गया था जिसे उसने बंद नहीं किया। ऐसे में पुलिस को लगातार आरोपी की लोकेशन गुरुग्राम की तरफ मिलती रही। पुलिस ने टीम गुरुग्राम की ओर रवाना कर दी। पुलिस जब आरोपी तक पहुंची तो वो क्रेन से बीएमडब्ल्यू कार को लेकर जा रहा था। पुलिस को आरोपी ने बताया कि पहले वो कार को खुद चलाता, इसके बाद उसे बेचने की योजना थी। मैं सीरियल में कभी देखता नहीं था। बस ऐसे ही पता नहीं, कुछ ज्यादा ही दिमाग आ गया वो ये। अच्छा, कैसे आपने लूटा? आपने पुलिस का यूनिफॉर्म सोचा किस तरीके से? सिविल में तो कोई देता नहीं था। हाँ, कि चलो पुलिस का ही पहन के। तो ये यूनिफॉर्म आप कहाँ से खरीदे थे? ये वहाँ से, क्या बोलते हैं, GTB नगर। अच्छा, कितने में?
1500 का, 1000 का यूनिफॉर्म, 500 रुपये का बेल्ट वेल्ट टोपी स्टार्ट हुआ। अच्छा, आप पहले क्या करते थे? पहले मैं नेवी में था। नेवी में? नेवी में क्या थे? वो पेटी अफसर। पेटी ऑफिसर। बहरहाल पुलिस ने 5 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अपनी संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के फेर में हमारा मानवीय स्वभाव तेजी से बदल रहा है, जिसके चलते लोगों में अपराधी प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज़।